स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। बीजेपी ने पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला और अब नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने ऐलान कर दिया है। जांजगीर चांपा से 3 बार के विधायक नारायण चंदेल को नए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मलाल कौशिक की जगह पर नारायण चंदेल अब होंगे। विधायक दल की बैठक में नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हुआ। इस बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, अजय जामवाल, नितिन नवीन, अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ सभी विधायक मौजूद थे। चंदेल के नाम के ऐलान के बाद सभी नेताओं ने उनका अभिनंदन किया है। नारायण चंदेल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब तो ये तय हो गया कि जो विधायक दल की बैठक हुई वो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया साफ तौर पर कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है उसके लिए उनका वो आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि ये चुनावी वर्ष है, 1 साल बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बदलाव पर बदलाव कर रही है। पहले उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाया और उनकी जगह पे नए प्रदेश अध्यक्ष को लाया, और अब अपने नेता प्रतिपक्ष को हटाकर अपने दूसरे नेता प्रतिपक्ष को लाया, यानी नारायण चंदेल को लेकर आ गए हैं। अब नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष होंगे। छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि सबको साथ लेकर नए दायित्व का निर्वहन वो करेंगे। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। नारायण चंदेल से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने। उनका क्या कहना है, उनकी क्या प्राथमिकताएं होगी, वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल यहां पर मौजूद है। आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, क्या लक्ष्य होगा आपका? ये हमारा लक्ष्य बिल्कुल सुस्पष्ट है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो कुशासन है उसको उखाड़ करके फेंकना, 2023 के विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ में कमल खिलाना, भाजपा की सरकार बनाना। हम इस मिशन को लेकर के टीम वर्क के साथ काम करेंगे, मिलजुल करके काम करेंगे, और हमारा पूरा विश्वास है कि इस भूपेश सरकार को हम सत्ता से इतनी दूर कर देंगे कि फिर से वो 15-20 साल सत्ता में। एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि आखिर क्या ऐसी जरूरत महसूस होगी, ऐसा क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष को चयन करना पड़ा चुनाव के ठीक 1 साल पहले? देखिए, ये तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और पार्टी का जो आदेश है वो सिरोधार्य। तो आपने सुना कि इनका एकमात्र उद्देश्य अभी ये है कि भूपेश सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, और अपने जो नेता प्रतिपक्ष जो बदला गया है उस संबंध में इनका कहना है कि ये पार्टी की परंपरा है और पार्टी का निर्णय सिरोधार्य है, इसलिए ये निर्णय लिया गया। मगर जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसका वो पूरी ईमानदारी के साथ टीम वर्क के साथ सामना करेंगे। कैमरा मैन राजा राम के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 रायपुर। तो आपने सुना कि नारायण चंदेल ने बहुत ही साफ शब्दों में इस बात का जिक्र किया है कि उनकी प्राथमिकता बहुत सीधी और साफ है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा नारायण चंदेल के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि उनका क्या इतिहास रहा है, अब तक 3 बार के विधायक रहे हैं, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन क्या रहा है उसके बारे में बताएं। 1998 में पहली बार ये विधायक चुने गए थे, उसके बाद लगातार विभिन्न पदों पर रहे हैं। 2000 में वो सदस्य रहे हैं, जिला महामंत्री रहे हैं, उसके बाद लगातार चुनते गए हैं, सक्रिय रहे हैं लगातार वो, और अब उनको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। और हमारे सहयोगी इनपुट एडिटर संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। संजय जी, सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदला भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष को बदलकर नए नेता प्रतिपक्ष को लाया। जरा पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए और समझाइए कि यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लिया होगा, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? देखो सौमित्र, ये जो है अब एक नए दौर की शुरुआत बीजेपी के अंदर हो रही है, ये हम कहें, क्योंकि पुराना दौर अब बीत चुका। पुराने दौर में जो पुराने लोग थे वो चूक गए, कहीं ना कहीं ये संदेश पार्टी को गया है, और यही वजह है कि आप देखिए कि अध्यक्ष के पद से अभी जो बदलाव किया गया है वो, और अभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो बदलाव किया गया है वो, ये दोनों कहीं ना कहीं एक संदेश है पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर कि भाई तुम्हें अब
अब एक तुम्हारी बातें सुनी गई हैं और अब तैयार रहो अगले नए दौर के लिए, और कार्यकर्ता निश्चित रूप से तैयार होंगे। आप देखे हैं कि अभी जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब साहू जी यहाँ पर आए थे, रायपुर में पहुंचे, तो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और जो जोश कार्यकर्ताओं के अंदर दिख रहा था, उससे लग रहा था कि वो अब कुछ नए बदलाव को देखकर स्वागत करने के लिए उसका तैयार हैं। और अब एक फिर बदलाव पार्टी ने कर दिया है और पार्टी ने संदेश दे दिया है कि कार्यकर्ता जिस तरह के बदलाव की अपेक्षा पार्टी से रखते थे वो पूरी की गई है, वो अपेक्षाएं पूरी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर कि हम ये कहें कि नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से पार्टी ने दावा किया था कि वो अब आक्रामक ढंग से मैदान में उतरेगी, आक्रामक ढंग से कांग्रेस का मुकाबला करेगी, आक्रामक सारी चीज़ें होंगी, और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि थोड़ा सा अब सरकार के खिलाफ कुछ आक्रामक ढंग से प्रदर्शन किए जाएं, कार्रवाइयां की जाएं, लेकिन वो सब तो ठीक है, पर अब अध्यक्ष के रूप में तो एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक है वो चीज़ें होंगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा के अंदर चंदेल जी किस तरह के आक्रामक रुख का प्रदर्शन करेंगे कह नहीं सकते, क्योंकि 20 सालों में हमने कभी भी उनको विधानसभा के अंदर कम से कम आक्रामक ढंग से तो नहीं देखा है, और ऐसा उनका स्वभाव भी नहीं है कि वो बहुत आक्रामक हो जाएं। कुछ नाम चर्चा में जरूर थे उस दौरान जब नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात हो रही थी, कुछ दिनों पहले से चर्चाएं चल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष बदले जा सकते हैं, तब कुछ नाम और आए थे और वो नाम जरूर कुछ आक्रामक लोगों के थे, लेकिन अब चंदेल जी आए हैं तो शायद कुछ पार्टी ने पुराने लोगों की भी बातें सुनी होंगी, क्योंकि जो देखिए दो गुट यहाँ पर साफ साफ है बीजेपी के अंदर, वो माने न माने, एक गुट वो है जो डॉक्टर रमन सिंह के साथ है जो पुराने मुख्यमंत्री रहे, दूसरा गुट उनके अलग एक खेमा है जो बृजमोहन अग्रवाल वगैरह जो पुराने मंत्री वगैरह रहे उनके और उनके साथ के लोग हैं, तो ये दूसरे खेमे में जरूर आते हैं चंदेल जी, लेकिन इसके बावजूद इनका थोड़ा सा वो सॉफ्ट किस्म की वो राजनीति करते हैं और उस ढंग से नहीं आते जिस ढंग से वो बाकी उनके और मित्र जो आक्रामक ढंग से जैसे आते हैं। तो नारायण चंदेल को बनाने के बाद बीजेपी के अंदर एक संदेश ये तो गया कि हमने बदलाव कर दिया है, बदलाव चाहते थे कार्यकर्ता तो बदलाव हो रहा है, लेकिन ये वो आक्रामकता नहीं दिख रही है जो आक्रामकता की बात पार्टी लगातार कर रही थी। तो अभी विधानसभा के अंदर कितना आक्रमण होगा, सरकार को कितना घेर पाएंगे, ठीक है आने वाला दिन बताएगा, हो सकता है कुछ नया बदलाव लेके चंदेल। बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत अहम बात बताई है और एक बात निकल कर सामने ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में एकजुट करने की कोशिश की गई है, जो ये बदलाव हुआ है चाहे प्रदेश अध्यक्ष का रहा हो या उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को रहा हो। आपने कहा कि दो गुट है, भले माने ना माने तो उन्हीं को लेके चलने की कोशिश है। राजेश जी भी हमारे साथ हैं। राजेश, आपने सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष से बात किया, उन्होंने सबसे पहला बयान IBC 24 को ही दिया, उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा दिखाया है तो वो सबको लेकर चलेंगे, तो क्या जो आक्रामकता दिखनी चाहिए वो आने वाले समय में दिखेगी? इस परिवर्तन के मायने क्या है, जरा वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के को बदलने की बात करें, अब नेता प्रतिपक्ष को जो बदला गया उसकी बात करें, जिला अध्यक्ष जो बदलने वाले हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ के जो बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदलने वाले हैं, इन सब के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि पार्टी में जिस तरह से एक ठहराव टाइप की स्थिति नजर आ गई थी, जिस तरह से जो सालों से जो चेहरे नजर आ रहे थे वही चेहरे नजर आ रहे थे, तो उसको लेकर कार्यकर्ताओं की डिमांड ये थी और बहुत सारे लोगों का भी यही डिमांड थी कि भारतीय जनता पार्टी में चेहरे बदलने चाहिए, ऐसे चेहरे होने चाहिए जिसका एक जनाधार, जिसके पीछे पूरी एक टीम इकट्ठी हो जाए, जिसमें आक्रामकता हो, जो भूपेश सरकार के खिलाफ एक मुहिम शुरू करें पूरे प्रदेश भर में। शायद इसी उद्देश्य से क्षेत्रीय संगठन जो महामंत्री अजय जामवाल ने जैसे ही छत्तीसगढ़ का प्रभार ग्रहण किया, सबसे पहले उन्होंने लोगों से बातचीत की, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी में बदलाव किया जाना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदला, विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को यहां लाया। अरुण साव का तेवर अपन देख चुके हैं, वो थोड़ा आक्रामक हैं, सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और उनका भी सीधा सीधा एकमात्र उद्देश्य यही रहा कि किसी तरह से प्रदेश सरकार की जो खामियां हैं, प्रदेश सरकार की जो नाराजगी है, उसको किस तरह से लाया जाए। और अब नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया गया है और नेता प्रतिपक्ष ने भी
यही कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर वो खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि सबके साथ मिलकर प्रदेश सरकार की जो खामियां है, प्रदेश सरकार की जो वादा खिलाफी है, उसको लेकर एक मुहिम, एक माहौल बनाने के लिए तैयार मुहिम सदन में लेकर चलना है और पूरे छत्तीसगढ़ को मथना है और समझाना है कि जो वर्तमान सरकार है वो कार्य नहीं ठीक कर रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। संजय जी, जो एक ठहराव था, इस बात को राजेश भी कह रहे हैं, तो उस ठहराव के लिए आक्रामकता है उनके नेता पूरी विधानसभा में जाए। देखिए, सरकार तो जा ही रही है, तो उस एवज में भारतीय जनता पार्टी उस तरह नहीं दिख रही है उनके टक्कर में। तो क्या एक बहुत बड़ा मतलब ये निकाला जाए कि इसीलिए ये परिवर्तन किया गया है? अब आप पिछला चुनाव देख लीजिए, जिस तरह की चीजें हुई हैं और जैसा परिवर्तन छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया, जिस तरह से इनका पूरा सुपड़ा साफ कर देना बोलते हैं, उस तरह की घटना घटी है। तो इसके बाद बीजेपी सदमे में ही है और उसे साफ साफ समझ में आ गया है, कार्यकर्ताओं ने बता दिया है। ये जो बाहर से जो नेता आते हैं प्रभारियों के रूप में, उनको भी साफ साफ पहले भी बताया गया था 2018 के चुनाव के पहले, लेकिन उन प्रभारियों ने कार्यकर्ताओं की बातों पे ध्यान नहीं दिया था और नतीजा आपने देखा कि कैसे एक बार पूरा ही साफ हो गए लोग। तो अब ये समझ गए हैं कि अब अगला चुनाव आ रहा है, कार्यकर्ताओं की बातों को फिर से अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर से तैयार रहें इसी तरह के परफॉर्मेंस के लिए, 10-12 सीटें आ जाए। कार्यकर्ता तो काम नहीं करेगा। इस बार साफ साफ कार्यकर्ताओं ने कह दिया था कि आपने हमारी बातें पिछली बार नहीं सुनी, अब इस बार नहीं सुनेंगे, तो अपना खुद आप देख लीजिए क्या होगा। तो ये संदेश पार्टी को था और इसीलिए पार्टी ने कुछ नए प्रभारियों की नियुक्ति की, कुछ और लोगों को लगाया। जामवाल जी जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बना के भेजे गए, और ये पार्टी का संदेश साफ था कि हमारे कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, पार्टी के जो नीचे के जो नेता हैं वो क्या चाहते हैं, इसको ठीक से समझा जाए, भावनाओं को समझा जाए, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। और यही रहा कि अध्यक्ष को उन्होंने बदला है और अब नेता प्रतिपक्ष को बदला। एक चीज और है, छत्तीसगढ़ के अंदर ओबीसी वोटर्स को भी साधने की कोशिश पार्टी ने इसके जरिए की है। आप देखिए कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग में उन्होंने न सिर्फ जब वो बाहर थे सत्ता से तब उन्होंने पैठ बनाई थी, बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत तेजी से ओबीसी वर्ग के बीच अपनी पकड़ बनाई, पहुंच बनाई और उस समाज को अपने साथ जोड़ने में सफल रहे हैं। अभी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ओबीसी समाज को तोड़ के अपने पक्ष में लाना, और यही कारण था कि आप देखेंगे कि पार्टी ने अभी जो नेता प्रतिपक्ष दिया, जो आपको संजय जी यानी आप बता रहे हैं कि एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं, खासकर ओबीसी वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए, और एक बदलाव कार्यकर्ताओं की बात भी मानी जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के दम पर ही तो ही कोई चुनाव लड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।